है इंडस्ट्रियल डेवलपर। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम बच्चों को कैसे आगे ला सकते हैं, इतनी सक्सेस टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है और बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए, क्योंकि एग्जाम्स टाइम भी आने वाले हैं और सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे मार्क्स आए। आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम चलते हैं अपनी और सबसे पहले आप अपनी पावर को समझ लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज अपनी पावर को समझिए, अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाइए, ये आपके लिए मेन पॉइंट है। और आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी, अपने न्यूरॉन्स को कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड देन आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए। आपके आईक्यू लेवल जब बढ़ जाता है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि आप अगर आप किसी क्वेश्चन को याद कर रहे हैं उसके बाद अगर आप रटाफिकेशन करते हैं तो एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको अंडरस्टैंडिंग कर लिया है तो आप उसको कभी नहीं भूलते हैं। यानी कि हर क्वेश्चन को, हर लेसन को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है और जैसे ही आप उसको अंडरस्टैंड करके दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं आपके न्यूरॉन्स भी बढ़ने लग जाते हैं। तो क्या होगा, उससे आपकी आईक्यू लेवल भी बढ़ेगी, आपके न्यूरॉन्स भी बढ़ेंगे और आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, अपने ऊपर विश्वास जरूर रखिए कि मेरे अगर इतने मार्क्स है तो मैं इसी तक सीमित नहीं रहूंगा, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालिए। वो हर स्टूडेंट के लिए है, जो स्टूडेंट 60% से संतुष्ट है वो 60% तक ही रहता है, जो 70% से संतुष्ट है वो 70% तक ही रहता है, और जो 100% लेना चाहता है वो 100% पे चला ही जाता है। तो अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो 100% आप सक्सेस हो गए, क्योंकि आप और अपने जो गोल है आपका उसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए अभी, क्योंकि जितने आते थे 60, 70, 80, 90 जितने भी परसेंट आपके आते थे उससे कुछ ज्यादा अचीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आपने ठान ली उस दिन हो गया, हर स्टूडेंट के लिए ये बात है, जिस दिन वो करना चाहता है वो करना चाहता है, लेकिन अगर वो खुद ही नहीं चाहता है तो कोई नहीं करवा सकता है। आप अपने साथ ही खुद हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी मम्मी पेरेंट्स हो, कोई भी हो, अगर वो चाहता है आप पढ़े तो आप फोर्सिबली पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप खुद से चाहेंगे तो आप फोर्सेबली नहीं, अपने लिए पढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ेंगे खुद से तो आपको जरूरत नहीं है कि कोई बार बार टोके और आप टॉपर बनेंगे 100%। तो अपने अंदर जो पावर है अपने अंदर से कीजिए कि हाँ मुझे करना है। जिस दिन आपके अंदर से ये आ गया कि मुझे 100% लेने हैं तो आपकी दुनिया को कोई पावर नहीं, दुनिया की कोई पावर नहीं है कि आपको रोक सके, एंड देन यू डेफिनेटली सक्सेस ऑन दिस वे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे इस वीडियो को हर उस लोगों को, हर उस विद्यार्थी को शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। बाय।